हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर डी शर्मा बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है नंबर सिस्टम्स। नाउ सी द क्वेश्चन। 0.123 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो बोलता है कोई एक डेसिमल्स नंबर दिया है और इस डेसिमल्स नंबर्स को क्या पी बाय क्यू के फॉर्म में हमको दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट एक्स इज इक्वल टू 0.123 बार के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या आ गए, एक्स इक्वल टू क्या 0.123333 डैश 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 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, यस या नो। अब देखिए, डेसिमल्स के बाद दो डिजिट पे बार बार नहीं है। इसका मतलब क्या, दो डिजिट मतलब हम इसका मतलब है कि हमको बोथ साइड्स कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करते हैं तो क्या आ गया, ये 100x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, 2, 3, कितना इसका मल्टीप्लाई किया तो 1, 2, 1, 2.3333 डैश डैश आया कि नहीं। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.3 का बार लिख सकते हैं, यस या नो। हम इसको यहाँ पे इतना लिखें। अब देखिए मतलब क्या हो गया कि 100x इज इक्वल टू कितना 12 प्लस 3/9 लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज 0.3 बार को हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते देख मेरा कितना वैल्यू आता है, 3 P/Q फॉर्म की फॉर्म में 3/9 के आता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 100x इज इक्वल टू, अब एलसीएम कितना दिया 9, तो 9 2 18 18 आते जाने 108 प्लस 3 तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 111/9 हो गया, ठीक है। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 111/900 आ गया, या गया ना। तो एक्स का वैल्यू क्या माने थे, दैट इज एक्स इक्वल टू मतलब 0.123 बार का जो वैल्यू आएगा पी बाय क्यू के फॉर्म में वो कितना आएगा, 111/900, ये मेरा आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।